हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर डूइंग चैप्टर दैट नेम इज ग्लोब्स एंड मैप्स ओके लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स व्हाट इज दिस दिस इज अ ग्लोब एंड व्हाट व्हाट आर दिस दिस आर वर्ल्ड मैप एंड दिस इज मैप ऑफ इंडिया ओके तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द अर्थ The Earth is our mother planet. It has all the life supporting elements which are not on other planets. The surface of the Earth is divided into land and water. Three fourths of the surface is covered with water, the rest is covered with land. The large water bodies are called oceans, and the large land masses are called continents. The Earth is round in shape. The astronauts

अर्थ की सरफेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक लैंड एंड सेकेंड इज वॉटर जो लैंड स्पेस है उसको क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट एंड जो वॉटर बॉडीज है उसको कहते हैं ओशियंस एंड जो अर्थ है हमारी वो कैसे लगती है राउंड लगती है देखने में जैसे कि जो एस्ट्रोनोट हैं उन्होंने जो स्पेस से पिक्चर ली है उससे पता लगता है जैसे ग्लोब में हमें अर्थ हमारी राउंड दिखती है तो अर्थ राउंड दिखती है जो पिक्चर स्पेस से ली गई हैं लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा जो वो सरफेस है उसका फ्लैटेंड भी है ओके नो फैक्ट फाइल द वर्ड ग्लोब कम्स फ्राम द लेटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग राउंड मॉस और स्वेयर जो वर्ड ग्लोब है ये किससे लिया गया है एक लेटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है जिसका मतलब क्या है राउंड मास और स्वेयर तो एक गोला यानी ग्लोबस मीन्स एक गोला और ग्लोब का जो नाम है ग्लोबस वर्ड से लिया गया है नेक्स्ट इज ग्लोब A globe represents the real shape of the earth. It is the true model of the earth. It shows oceans and continents. Different colors are used for showing water bodies and land masses. It also shows the spa shapes and locations of countries and the locations of important cities. You can only see half the globe at one time. However,

जो ग्लोब है हमारा उस पर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है उनको दिखाने के लिए जैसे ब्लू कलर से वाटर बॉडीज़ दिखाई गई हैं अलग अलग कंट्री उनकी लोकेशन कहाँ है वो बहुत अच्छे से ग्लोब में रिप्रेजेंट किया गया है अगर हम ग्लोब को स्टडी करते हैं तो हम उसका सिर्फ वन हाफ ही देख सकते हैं जो हमें फेस करता है सेकेंड हाफ़ देखने के लिए हम ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं और ग्लोब को एक लाइन पास आउट करती है जो कि एक टिल्टेड लाइन है 23 थ्री एंड हाफ डिग्री एंगल पर जिसको क्या कहते हैं एक्सिस कहते हैं ओके the earth constantly rotates or turns around its axis of rotation the axis of rotation of the globe is similar to that of the earth it is also tilted at an angle of 23 and half degree the axis of the globe has two endpoints. we call these point the poles the northernmost point on the top of the globe is called the north pole and the southernmost point on its bottom of the globe is called the south pole

अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है ऐसे ही अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है जो एक्सिस है उसके जो दो पोल्स में उसको नाम दिया गया है जो अप पोल्स है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो डाउन पोल है उसको साउथ पोल कहते हैं एक मिडवे से एक लाइन इक्वेटर जिसको बोलते हैं वो ग्लोब को यानी कि अर्थ को पास आउट करती है जिसको इक्वेटर कहते हैं और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है नॉर्थ साइड का जो पार्ट है उसको नर्दन हेमस्फेयर कहते हैं और जो साउथ साइड का पार्ट है उसको सर्दन हेमस्फेयर कहते हैं नाउ कम टू द मैप्स तो अ ग्लोब इज अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ एंड शोज द एक्यूरेट शेप साइज एंड लोकेशंस ऑफ वेरियस प्लेसेस इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस मैप क्या है जैसे कि ग्लोब है वो एक ट्रू मॉडल है अर्थ का लेकिन उसके बावजूद अर्थ की सारी चीज़ों की एक्यूरेट शेप साइज लोकेशन हमें दिखा सकता है लेकिन इसके बावजूद उसकी कुछ कमियां हैं क्या क्या कमियां हैं लाइक अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड एक बड़े ग्लोब को जिस पर स्टडी करना आसान होता है उसको हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते अ ग्लोब इज स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट ग्लोब क्या है एक छोटा सा मॉडल होता है तो उसको किसी भी प्लेस की डिटेलिंग हम उसमें शो नहीं कर सकते इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ ग्लोब जो है पूरे अर्थ का एक मॉडल होता है अगर हम बात करें अर्थ के किसी पार्ट को लेके हमें ग्लोब बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है वी कैन सी ओनली अ हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब अगर हम ग्लोब से अर्थ की स्टडी करते हैं तो वन टाइम में हम अर्थ का सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं तो दीज आर द लिमिटेशन दैट्स वाई नई चीज़ें इन्वेंट हुई जिसको मैप बोला जाता है मैप पर क्या कर सकते हैं हम जितने भी ग्लोब की लिमिटेशंस हैं सारी मैप्स में कवर हो सकती हैं नाउ वॉट इज मैप अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस द वर्ड मैप Comes from the Latin word mapo, which means a napkin. A Flemish mapmaker, Grigius Macter, was the first to publish a collection of maps in the form of a book. A book of maps is called an atlas. Okay, now what is map? Map kya hai? Map hai representation of the earth surface on a flat surface. एक फ्लैट सरफेस पर हम अगर अर्थ को शो करते हैं तो दैट इज मैप और जो मैप है ये वर्ड किससे लिया गया है मैपो वर्ड से जिसका मतलब है नैपकिन यानी कि फ्लैट सरफेस और किसने ग्रेजस मैक्टर जो है उसने एक फर्स्ट बुक बनाई जिसको क्या कहते हैं एटलस एंड वट इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कोल्ड एटलेस तो ये किसने आपको किसने इंट्रोड्यूस किया एटलेस को ग्रेजिस मैक्टर ने The map can be drawn showing the whole Earth, or a continent, or a country, or a city, and even of your school building or a house. Thus, a map is better than a globe. A map per, ham koi bhi Earth ka koi bhi part. शो कर सकते हैं कोई भी पार्ट बना सकते हैं कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी कंट्री या सिटी इवन हम अपने घर के बिल्डिंग अपने स्कूल की बिल्डिंग सब चीज़ें हम मैप पर शो कर सकते हैं इसीलिए ग्लोब से बेटर है मैप से स्टडी करना एन एक्यूरेट मैप शोड हैव एटलीस्ट थ्री क्वालिटीज़ फर्स्ट इज़ ट्रू डायरेक्शंस बिटवीन प्लेसिस एक एक्यूरेट मैप जो सही मैप होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक तो ट्रू डायरेक्शंस बिटवीन प्लेसेस होती हैं जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, उनको प्रॉपर यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज़ ट्रू शेप ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज लैंड एंड वॉटर बॉडीज़ की ट्रू शेप होनी चाहिए नेक्स्ट इज ट्रू एंड एक्यूरेट एरिया जिस भी चीज का हम मैप बना रहे हैं उसका एक्यूरेट एरिया हम मैप पर शो कर सकते हैं तो एग्जैक्ट स्केलिंग के यूज़ करके हम एग्जैक्ट एरिया को हम मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं However maps too have limitations the earth is spherical in shape and its surface is curved a curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper try to cover a ball with a sheet of paper without creasing you will not be able to do it it is not possible to make an accurate map from a curved surface however a map of a small area can be fairly accurate thus a map is more useful to study the earth okay इतने सारे मैप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन इसके बावजूद मैप्स में भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्या लिमिटेशन हैं जो अर्थ है हमारी वो स्वेरिकल शेप में है लेकिन कहीं कहीं से कर्व्ड भी है लेकिन एक कर्व सरफेस को एक फ्लैट सरफेस पे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे कि हम किसी बॉल को अगर एक पीस ऑफ पेपर से शीट ऑफ पेपर से अगर हम उसको कवर करें बिना कहीं से फोल्ड हुए तो वो पॉसिबल नहीं है इसी तरीके से अर्थ को डिट्टो हम मैप पे नहीं बना सकते हैं नाउ कम टू द फैक्ट फाइल क्लोडिस टलमी वॉज अ ग्रीक मैथेमैटिशियन एंड जियोग्राफर हु लिव्ड इन इजिप्ट मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स है गो ही क्रिएटेड सेवरल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने बहुत सारे मैप्स बनाए हैं वर्ल्ड के एंड ही वॉज द मैथेमैटिशियन हु लिव्ड इन इजिप्ट मोर देन टू थाउजेंड ई ईयर्स है गो नाउ दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप टू टाइप की जो मैप है मेनली जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सेकेंड इज फिजिकल मैप नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप शोज बाउंड्रीज कंट्रीज स्टेट्स एज वेल एज द लोकेशन ऑफ वेरियस नेशनल एंड स्टेट कैपिटल्स एंड अदर मेजर सिटीज जो भी हमारे देश के बारे में उसकी बाउंड्रीज़ उसकी स्टेट कहाँ हैं उनके बारे में जो शो करता है कौन सी जगह कौन सी किस चीज़ की लोकेशन कहाँ है, वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं नेक्स्ट इज़ फिज़िकल मैप फिज़िकल मैप क्या शो करते हैं फिज़िकल फ़ीचर शो करते हैं जैसे कि माउंटेन्स का अगर मैप हम बनवाते हैं तो किसके अंडर आएगा फ़िज़िकल मैप में प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स and valleys of an area maps are also drawn to show the distribution of rainfall forest crop mineral industries etc yeh jo map hai yeh kis category mein aate hai? physical map ki category mein okay now what is the language of a map we should learn to read a map in order to make full use of it

टाइटल जो मैप का टाइटल होता है वो बताता है हमें जो ये मैप है उसका किस किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो ये मैप हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है वो हमें कहाँ से पता लगता है टाइटल ऑफ द मैप से जैसे कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद इंटरनेशनल स्टेट एंड अदर बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा अगर हम बात करें उसका टाइटल है किसी भी मैप का टाइटल है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज क्या हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं तो ऐसे ही टाइटल से हमें मैप के बारे में पता लगता है सेकेंड इज स्केल स्केल अ मैप रेयरली शोज द एक्चुअल डिस्टेंसेज बिटवीन प्लेसेज अगर हमें कोई प्लेस शो करनी है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है क्या हम उसको मैप पर शो कर सकते हैं पेपर पर शो कर सकते हैं नो no. तो हम किसका यूज़ करते हैं हम एक स्केल का यूज़ करते हैं जो एक्यूरेटली डिस्टेंस को मार्क कर सकता है जैसे कि वेन द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज मेजर्ड इट इज़ कोल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस अगर दो जगह के बीच का अगर हम पॉइंट डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं ग्राउंड डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द मैप डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस क्या हुआ जैसे कि फिजिकली हमने मेजर किया कि ये चीज़ यहाँ से कितनी दूर है दैट इज ग्राउंड डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है मैप डिस्टेंस जो कि हम ग्राउंड डिस्टेंस को मैप पर शो करते हैं एक स्केल का यूज करके उसको क्या कहते हैं मैप डिस्टेंस कहते हैं एंड द स्केल ऑफ द मैप इज़ द एक्चुअल रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस तो स्केल ऑफ द मैप क्या होता है इज द एक्चुअल रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस ओके तो ये आप देखो जैसे मैप में स्केल का यूज़ करके आपको अलग अलग डायरेक्शंस का यूज़ किया गया है और इसमें स्केलिंग का यूज़ करके अलग अलग स्टेट और उसकी जो डिस्ट्रिक्स हैं उनको दिखाया गया है बट ऑन द मैप इट मे बी शो एज़ वन सेंटीमीटर हेयर इज़ एग्जाम्पल जहाँ पर आपको ग्राउंड डिस्टेंस और जो मैप डिस्टेंस है उसका एग्जाम्पल समझाया गया है जैसे कि अगर सौ किलोमीटर है किसी प्लेस का डिस्टेंस वो सौ किलोमीटर है तो हम सौ किलोमीटर लंबी शीट नहीं ले सकते हैं तो हम सौ किलोमीटर को मार्क कर देंगे एग्जैक्टली exactly वन सेंटीमीटर में तो इस तरीके से सौ किलोमीटर को हम वन सेंटीमीटर में शो कर देंगे और स्केलिंग में लिख देंगे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर अगर हमें फाइव हंड्रेड किलोमीटर शो करना है तो हम कितना सेंटीमीटर यूज़ करेंगे हम फाइव सेंटीमीटर की लाइन यूज करेंगे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होगा 500 किलोमीटर होगा तो इस तरीके से हम जो स्केल का यूज़ करके हम मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं डिस्टेंस बता सकते हैं नौ जो स्केल हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस को शो करने के लिए उसको क्या कहते हैं लीनियर स्केल

कलर्स अगर आप मैप में देखोगे आपको अलग अलग कलर शो होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक कलर लिए गए हैं फिजिकल फीचर्स दिखाने के लिए जैसे कि डार्क ब्राउन जो कलर है वो किसके लिए यूज किया गया है माउंटेन्स के लिए ओके एंड येलो कलर है हिल्स एंड प्लेट्यू शो करने के लिए ग्रीन कलर है प्लेन्स और लो लैंड शो करने के लिए लाइट ब्लू कलर है शेलो वाटर्स सरफेस शो करने के लिए डार्क ब्लू है डीप वाटर शो करने के लिए ओके okay? तो हर एक कलर जो है वो अलग अलग चीज को सिम्बलाइज करता है अ मैप हैज अ की इन द कॉर्नर कॉल्ड इंडेक्स इट टेल्स व्हाट ईच कलर और सिंबल स्टैंड्स हो एक मैप जो होता है उसके साइड में कॉर्नर में एक छोटा सा इंडेक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट इज सिंबल्स There is a set of symbols developed to represent some features on the map. We can show physical or cultural features on a map with the help of signs and symbols. We can show features such as temples, mosques, churches, forts, rivers, bridges, lakes, etc., with the help of signs and symbols. Most of these symbols are now used by all countries in the world. Thus, these signs and symbols are called the conventional symbols. मैप पर अलग अलग चीज़ें आप शो कर सकते हो जैसे टेम्पल शो कर सकते हो मॉस्क्यू स्कूल बिल्डिंग चर्चेस फोर्ट रिवर लेक हर एक चीज़ का मैप बन सकता है तो इन चीज़ों को शो करने के लिए कुछ हम इंटरनेशनली सिंबल यूज़ करते हैं जो हर जगह ऑल ऑल ऑफ़ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड यूज होते हैं उन साइंस एंड सिम्बल्स को क्या कहते हैं कन्वेंशनल सिम्बल्स नाउ वट आर लैटिट्यूड्स एंड लोंगेट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं दे हेल्प टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप द हॉरिजेंटल लाइन आर ड्रोन पैरल टू द इक्वेटर लाइक द इक्वेटर दे गो अराउंड द अर्थ दे आर नोन एज लैटीट्यूड और पैरल सी दिस इज द इक्वेटर इसके साइड में जो लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन ये आपकी क्या होती है ये आपके होते हैं लैटिट्यूड्स और लाइन ऑफ पैरल और जो वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल लाइन ये वर्टिकल लाइन जो होती हैं आपकी इनको क्या कहते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइन्स ऑफ मेरिडियंस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन दे आर ड्रोन ऑन अ ग्लोब और अ मैप टू शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस वाइलिट्यूड्स आर इमेजिन टू बी ड्रोन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू बी ड्रोन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सी लेटीट्यूड जो है ये वेस्ट टू ईस्ट लोकेट होती है एंड जो लॉन्गिट्यूड्स है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ लोकेट होती है ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है ये असलियत में नहीं होती है ये सिर्फ हमें किसी भी प्लेस को लोकेशन में हेल्प मिल जाए कि उस प्लेस को कहाँ लोकेट करना है उसकी हेल्प के लिए हमें ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन जो है ये ड्रॉ कर रखी है ओके ना वट आर लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स अभी हमने पढ़ा जो इक्वेटर के साथ साथ जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट दीज आर द लेटिट्यूड्स इनको मार्क कैसे करते हैं सी इक्वेटर पर जीरो डिग्री हमने लिया अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अप टू नाइन्टी डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ अगर जाते हैं जीरो वन टू थ्री फोर अप टू नाइन्टी डिग्री साउथ इस तरीके से हम लैटिट्यूड्स को मार्क करते हैं इन लाइन ऑफ लैटिट्यूड में अब नाइन्टी इस साइड हो गई नाइन्टी इस साइड वन एट्टी टोटल लेटीट्यूड है हमारे पास वन में से कुछ पांच जो लैटिट्यूड हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड माना गया है उनको जो हमारे किसी भी लोकेशन को लोकेट करने में हेल्पफुल होते हैं जैसे कि जीरो डिग्री पर जो लाइन है उसको इक्वेटर कहते हैं सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ दिस इज आर्कटिक सर्कल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ एंड द अंटार्कटिक सर्कल एट सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स नाउ फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरल टू वन एंड एंड दे नेवर मीट ये आप देखोगे लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स जो हैं ये पैरल लाइन होती हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं पर भी नहीं मिलेंगी ये राउंड सर्कल्स होती हैं पैरल लाइन्स होती हैं दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट होती हैं एंड ऑल ऑफ देम फॉर्म कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल विच आर जस्ट पॉइंट और पूरा ये क्या बनाती हैं एक सर्कल बनाती हैं किस को छोड़ के पोल्स को छोड़ के क्योंकि पोल्स क्या हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये सिर्फ एक पॉइंट्स हैं बाकी जो पैरल्स हैं वो पूरे कंप्लीट सर्कल बनाती हैं द लेटीट्यूड्स द लैटीट्यूडर एज दे मूव टूअर्ड द पोल जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो लैटिट्यूड के जो ये सर्कल है क्या होते जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं स्मॉल होते जाते हैं ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज लॉन्गिट्यूड्स Longitudes क्या हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वर्टिकल लाइन जो कि कितनी हैं 360 डिग्री थ्री सिक्सटी मेरेडियंस एंड ऑल दीज आर ऑफ एन इक्वल लेंथ द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन इन द मिडल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरीडियन जो जैसे कि इक्वेटर हमारा लाइंस ऑफ पैरलल्स का मिड पॉइंट होता है इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन जो है जीरो डिग्री पर वर्टिकल लाइन होती है जो कि इन मेरिडियन को डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर जैसे कि इक्वेटर नर्दर्न और सर्दर्न हेमिसफेयर में डिवाइड करता है अर्थ को इस तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में वेस्टर्न हेमस्फेयर में जो लाइन आएंगी उनको क्या कहेंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड और जो ईस्टर्न हेमस्फेयर में लाइन आएंगी उनको कहेंगे हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड ज़ीरो टू जीरो टू वन एटी डिग्री आपकी वेस्ट में आती हैं एंड जीरो टू वन एटी डिग्री ईस्ट ये आपके ईस्टर्न हेमिसफेयर में आती हैं ओके एंड the 180 degree east and 180 degree west longitude meet and form a single line on the opposite side of the world called the 180 degree longitude this line is also called the international date line और जो आपकी 180 एटी डिग्री वेस्ट और 180 एटी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो मिलके एक लाइन में फिनिश हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं उस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कोल्ड द ग्रीन विच मैरिडियन एज इट पास नियर लंदन जो प्राइम मेरिडियन है उसको और क्या कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि ये कहाँ से पास आउट करता है ग्रीनविच जो कि लंदन में है वहां से पास आउट करता है इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं नाउ द लोंगीट्यूड ऑफ अ प्लेस हेल्प टू नो द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस लोंगीट्यूड से हमें क्या पता लगता है लॉन्गिट्यूड से हमें उस प्लेस का लोकल टाइम क्या है वो पता लगता है नाउ फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ एंड दे रन फ्रॉम वन पोल टू अदर जितने भी मेरिडियंस हैं वो सारे सेम लेंथ के होते हैं और एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रन करते हैं दे रन इन उथ डायरेक्शन direction. क्या डायरेक्शन होती है इनके नॉर्थ टू साउथ दे आर स्पीज फादेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कम टूगेदर टूंट एट दोल्स पोल्स पर जाकर इक्वेटर पर इनके बीच में स्पेस होती है और पोल्स पर एक पॉइंट पर जाकर ये आपस में मिल जाते हैं द लॉन्गिट्यूड्स एंड दूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स कट इच अदर एट राइट एंगल लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये आपस में एक दूसरे को कट करती है 90 डिग्री के एंगल पर ओके नाउ कम टू द फैक्ट फाइल द वर्ड मैरिडियंस कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड मेरिडीज विच मीन्स मिड डे इट इज फ्रॉम द वर्ड मेरीडियन दैट वी गेट वर्ड सच एज एंटी मेरीडियन दैट इज एम मीनिंग बिफोर नून एंड द पोस्ट मेरीडियन पी एम मीनिंग आफ्टर नून ये मेरीडीज वर्ड से लेटिन वर्ड से मेरीडियन वर्ड लिया गया है जिसका मतलब है मिड डे जिससे हम जो एम पी एम हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए वो वहीं से डिस्क्राइब हुए हैं ओके नौ लेटीट्यूड और लोंगीट्यूड को हम यूज़ करके कैसे प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं Latitudes and longitude help us to know the exact location of a place on the globe or map as well as on the earth. Knowing any of the two will not be of any use. This is because the latitudes and the longitudes form a network on the globe called a grid. The grid helps to locate place on a globe or map the point at which the longitude and the latitude cross each other is the location of that place to locate a place we need to know both the latitude and the longitude of a place for example the location of delhi is 29 degree north and 77 degree east it means that 29 29 डिग्री नॉर्थ दैट मींस 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गीट्यूड पर जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर आपकी डेली की लोकेशन है ओके okay? तो कैसे हम आ, किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं अगर हमें वहाँ का लैटिट्यूड पता है और लॉन्गीट्यूड पता है जहाँ पर भी वो दोनों पॉइंट कट होते हैं वो उस जगह की क्या होती है उस जगह की लोकेशन होती है ओके okay? नाउ

और लैंड मासेस को क्या कहते हैं कॉन्टीनेंट्स अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस मैप क्या होता है अर्थ या उसके किसी भी पार्ट को फ्लैट सरफेस पर बनाना ड्रॉ करना लैंग्वेज ऑफ मैप इंक्लूड टाइटल स्केल डायरेक्शंस कलर्स एंड सिंबल्स। दीज आर द लैंग्वेज ऑफ अ मैप द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड दैट ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्केल ऑफ अ मैप ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं स्केल ऑफ अ मैप द फोर मेन डायरेक्शन ऑन अ मैप आर नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट द की ऑफ अ मैप इज कॉल्ड एन इंडेक्स लैटिट्यूड्स आर ड्रोन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड पैरल्स Latitudes कौन सी लाइन होती है जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है और इन लाइन को क्या कहते हैं डिग्री इज कोल्ड द इक्वेटर द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरल इट डिवाइड द अर्थ इन टू टू इक्वल हेमिसफेयर दर्दन हेमस्फेयर एंड सर्दर्निस्फेर दूड एट जीरो को दो पार्ट में डिवाइड करता है दैट इज नर्दन हेमिस्फेयर एंड सर्दर्न हेमिसफेयर द लॉन्गिट्यूड एट जीरो डिग्री इज कोल्ड द प्राइम मेरेडियन और प्राइम मेरेडियन जो है वो सेंट्रल मेरेडियन होता है सारे मेरेडियन का कहाँ से पास आउट करता है ये ग्रीनविच लंदन से द लैटिट्यूड्स एंड द लोंगीट फॉर्म नेक ऑन द ग्लोब कोल्ड ग्रिड ग्लोब पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लाइने हैं वो एक जाल बना देती हैं एक नेटवर्क बना देती है जिसको क्या कहते हैं ग्रिड लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प टू लोकेट प्लेसेज ऑनप और ग्लोब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी प्लेस को किसी भी जगह को मैप पर लोकेट कर सकते हैं आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे